हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड ए न्यू वीडियो। अभी मैं आ चुका हूँ दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। एज यू नो कि ये प्रॉपर सीरीज़ बन रही है। अब मेरी फ़्लाइट है दुबई से टोरंटो वाया फ्रैंकफर्ट जर्मनी एंड फर्दर मॉन्ट्रियल देन टोरंटो। और मेरी जो सा चेक इन है वो सारा डन हो चुका है। पीछे चेक इन काउंटर्स हैं, तीनों जगह के बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। आई एम गुड टू फ्लाई नाउ। सो आके अब मैं आपको दुबई एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री वगैरह घुमाता हुआ अब आपको लेके जाता हूँ टोरंटो वाली तरफ। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एज मैं अपनी ड्रीम कंट्री जा रहा हूँ फाइनली कनाडा। इस तरफ से 5 नंबर से एरिया अलग अलग हैं, एरिया 1 टू 6। देन अलग उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना चेक इन गेट ढूंढना पड़ता है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। मुझे 5 नंबर से एंटर करना पड़ेगा। सो फाइनली सारा कुछ डन करके चेक अपना चेक इन वगैरह करके इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक करके अब हम आ चुके हैं दुबई ड्यूटी फ्री वाली तरफ। ऊपर से हमें आना पड़ा, नीचे D2 हमारा गेट है और हम जा रहे हैं अब अपना फ़्लाइट की तरफ। बट अभी टाइम काफ़ी है, 12:50 की यहाँ से फ़्लाइट है। सो अभी हमारे पास अराउंड 2 आवर्स हैं फिल करने के लिए। तो बाकी अब लॉन्च वगैरह का देखते हैं कि क्या सीन है। एंड शी इज़ ऑल्सो ट्रेवलिंग विद मी। ए जा रहे ने विनीपैक, बट वी आर ट्रेवलिंग टुगेदर टिल मॉन्ट्रियल। ये है सारा ड्यूटी फ्री और सारे ब्रांड्स हैं अब यहाँ पे, पेंडोरा, कोच। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम पीछे से आ रहे थे, हमें गुडीज फ्री मिली हैं, चॉकलेट्स हैं ये गैलेक्सी की, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आई थिंक BMW पता नहीं, ये ड्यूटी फ्री वाले कर रहे हैं। सो हमने मांग ली उनसे एक एक पैक, तो काफ़ी अच्छा है ये। अब ट्राई करें आगे जाके। प्राइजेस चेक कर रहे हैं और प्राइस काफ़ी महंगी दिखे, बहुत ज़्यादा बधे पे ने प्राइजेस। 50,000 का पर्सन हाथ ला गई, 50,000 के पर्सन हाथ ला बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं कल भी जब दुबई मॉल गया था तब भी बहुत ज़्यादा प्राइजेस थे। कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे ऐसी है ड्यूटी फ्री, नाम के ड्यूटी फ्री है, पता ही लगता कि यहाँ भी है क्या ये। सो यहाँ पर सारी शॉप्स ही हैं, प्राइजेस वगैरह हाई हैं। कोई ज़्यादा ड्यूटी फ्री के जो उनसे प्राइजेस होते हैं वो ज़्यादा चीप वाली काम नहीं है, लेकर वगैरह पे होगा जो उनसे डिफरेंस होगा। बाकी ब्रांड्स के जो से हैं वो तो रेट हाई हैं, कोई सस्ता नहीं है। लॉन्जेस वगैरह सारे ऊपर हैं। अब हम आ चुके हैं नीचे, बट वहाँ लिखा हुआ है वो देखो, रेस्टोरेंट्स एंड एयरलाइन लॉन्ज है, बट वो नहीं एयरलाइन लॉन्ज है, वो कार्ड वाले लॉन्ज नहीं है। हमने कार्ड वाला लॉन्ज लेना है, लाइन के लॉन्ज फिर एयरलाइन पर्टिकुलर के होते हैं। हाँ जी हाँ जी, बट सोना बड़ा। फाइनली फ्लाइट में जाने लगा हूँ बोर्डिंग के लिए। अंदर जाके अभी लुफ्थांसा की फ़्लाइट है टिल जर्मनी फ्रैंकफर्ट, एंड देन आफ्टर दैट आगे मॉन्ट्रियल का कनेक्शन है। करो वेट, लग ही लें। सो फाइनली मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ, मेरी है विंडो सीट। एंड ये लिया मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके, मुझे विंडो सीट ही चाहिए। और इसमें दो दो विंडो हैं, ये जा रही है पहले फ्रैंकफर्ट लुफ्थांसा, फिर आगे एयर कनाडा कैरी करेगी टिल मॉन्ट्रियल फर्स्टली, एंड वहाँ सारा इमिग्रेशन वगैरह का होगा। पहले अभी है अराउंड 7 आवर्स की फ़्लाइट है ये भी, और 7 आवर्स बाद हम लैंड करेंगे जर्मनी में। Laptops und ähnlich schwere Gegenstände müssen zu Start und Landung in. Thank you.
बॉटम लैंड कर चुके हैं एंड अभी जा रहे हैं फ़्लाइट से बाहर, बिल्कुल लैंड में उतर रहे हैं क्योंकि अभी 4 घंटे हैं। पहले रश ही इतना था, पूरी फ़्लाइट फुल थी, सो अभी आराम से उतर रहे हैं। अभी बाहर जाएंगे 4 घंटे, अभी दूसरे गेट की तरफ जाएंगे जहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। सो अभी अपने गेट वाली तरफ मैं आ चुका हूँ एंड ये सारा फ्रैंकफर्ट का जैसा ट्रांजिट एरिया गेट्स हैं उस तरफ मैं खड़ा हूँ एंड सारा सीटिंग एरिया प्रॉपर है यहाँ। पीछे सारा मेरे बेकरी वगैरह का भी है, थोड़ा खाने पीने का कि आप खा पी सकते हो अगर आपने कुछ खाना है तो, वो भी सिस्टम है। सेटिंग एरिया प्रॉपर बना हुआ है, कोई मुझे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई यहाँ तक। ये ज़रूर है कि गेट्स जो से हैं वो काफ़ी दूर है, सो आपको जो से एयरपोर्ट मेट्रो उसके थ्रू आना पड़ता है एंड दैट्स ऑल्सो वेरी इजी। सारा गाइड करते हैं आप लोगों को सारा ना जब आप यहाँ आते हो, और वेरी बहुत ज़्यादा ईजी सिस्टम है यहाँ का। अब मेरी फ़्लाइट है 3 घंटे बाद की एयर कनाडा यहाँ से फ्रैंकफर्ट टू मॉन्ट्रियल फर्स्टली, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, 3 घंटे लगेंगे अभी। सो ये फाइनली फ़्लाइट आ चुकी है, ये जाएगी अब मॉन्ट्रियल लेके हमें एयर कनाडा, और वहाँ पर है हमारा गेट। और मैं अब इधर घूम रहा हूँ जस्ट अपना एयरपोर्ट के ऊपर, पीछे एयर कनाडा फाइनली, पहले तो लुफ्थांसा ने कैरी किया जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब एयर कनाडा कैरी करेगी। सो फाइनली अब प्लेन में जा रहे हैं एयर कनाडा। जोन के अकॉर्डिंग इन्होंने अंदर भरा है और काफ़ी टाइम लगा दिया, अराउंड 30-40 मिनट्स लेट है फ्लाइट ये, और मुझे इस वजह से अब टोरंटो में थोड़े सी अपना टोरंटो की फ़्लाइट लेने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ एंड अभी तो खाली है सारी फ़्लाइट, बट सारी बुकड है, इनके अकॉर्डिंग भरी हुई है सारी। पहुंच चुका हूं इस टाइम कनाडा, मॉन्ट्रियल लैंड कर लिया है एंड फ्लाइट ऑलमोस्ट सारी खाली हो गई है। मैं ही हूं जो था ऑलमोस्ट हैंड में निकल रहा हूं ताकि आराम से निकल जाऊं। अब यहां पर इमिग्रेशन वगैरह होके आगे टोरंटो का कनेक्शन है मेरा। फाइनली जो पिछले 2 दिन से जर्नी चल रही है वो एक एंड को होते हुए आ रही है, क्योंकि मेरा यहाँ भी 4 घंटे का लेओवर है मॉन्ट्रियल में, बट इमिग्रेशन कराते कराते टाइम का पता नहीं लगना। सो अब मैंने जाना लेफ्ट में अराइवल्स यहाँ से। सो फाइनली मैं अभी हूँ मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे, मेरी इमिग्रेशन वगैरह, स्टडी परमिट और मेरा कोप का वर्क परमिट सारा कुछ इशू हो चुका है एंड अब मैं जा रहा हूँ अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। काफ़ी टाइम लग गया यार स्टडी परमिट और कोप वर्क परमिट को इशू करवाते, अराउंड 1.5 घंटा तो लग ही गया। अब मेरे पास सिर्फ अराउंड 1 आवर एंड 20 मिनट्स है मेरी अगली फ़्लाइट कैच करने के लिए। अभी मेरा गेट नंबर है A01 और मुझे अब राइट साइड जाना है। ये सारा एयरपोर्ट है इनका डिपार्चर का, अगर आपने कनेक्शंस में आना है तो ये है एरिया एंड अब ये है फ़्लाइट मेरी मॉन्ट्रियल टू टोरंटो। अभी मैं बस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बोर्डिंग तो फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर एंड बैगेज क्लेम करना है मैंने अब यहां पर आके। डोमेस्टिक फ़्लाइट है सो कुछ नहीं, इमिग्रेशन कुछ वगैरह नहीं होना, डायरेक्टली यहां से बाहर निकल जाऊंगा अपना बैगेज कलेक्ट करके
और बाहर कोई स्पेशल पर्सन वेट कर रहा है, उसके साथ भी आपको मिलाता हूँ कि वो कौन है। वो आपने एक बार पहले वीडियोस में देखा भी हुआ है मेरी में, और फिर आपको मैं मिलाता हूँ उसके साथ, जो कि पिछले 3 साल से कनाडा में रह रहा है और अभी मुझे पिक करने आ रहा है। और उसके बाद हम जाएंगे मेरी जो अकोमोडेशन है वहाँ पे। तो कनाडा लैंड करते ही आ गया नानक और दलजीत दोसांझ। अब बैगेज देखता हूँ मैं कहाँ आता है। अभी लगेज मेरा सारा आ चुका है और मैं जा रहा हूँ अभी अपना बाहर को एग्ज़िट करने वाला हूँ यहाँ से एयरपोर्ट। लगेज मेरा पहली बार में ही आ गए, दोनों बैग मेरे दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए। पहले मेरे ही बैग बाहर आए हैं, पहले पे किसी और का आया था और दूसरे पे किसी मेरे ही आया। दूसरे पे मेरा पहला बैग आया, फिर दूसरा आ गया। अब बाहर जाता हूँ, मैं निकलता हूँ। बाहर बारिश हो रही है, पहली बात तो ये है, वेदर अपडेट है, बारिश हो रही है। और उसके बाद अभी देखते हैं ओके ओके, मेरे तो बैग जो हैं वो दूसरे हैं, पॉलीकार्बोनेट के हैं। तो अभी बाहर मैं आ गया हूँ, बारिश हो रही है, पहले मैं गाड़ी ढूंढ लूँ कहाँ पे खड़ा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। लो जी आ गया लड़का लेने, ऋषि गौतम भाई हमारा। ठीक ठाक और ठीक है। तो फाइनली बारिश तो पूरी पूरी हो रही है यहाँ पर, और हम जा रहे हैं अब अपने अकोमोडेशन वाली तरफ। अभी तो एयरपोर्ट के पास में ही है, एड्रेस वगैरह डालना था इसमें, तो उसके लिए अभी पार्किंग वाली तरफ आए थे। जाते हैं अभी, 42 किलोमीटर हैं यहाँ से जो अकोमोडेशन है एयरपोर्ट से, तो ऑब्वियस है इतनी दूर होएगी एयरपोर्ट से तो, बट ठीक है फिर भी। और पहुँच के आपको करते हैं बाकी रास्ते का व्यू दिखाते हैं। पूरी बारिश हो रही है इस टाइम ना, अभी ट्रैफिक भी पूरा लग चुका है यहाँ पे। कनाडा में ट्रैफिक होता है भाई? भाई ये देखो आप मैप में, देखो आप एक बार ये देखो, ओए होए सारे ही ट्रैफिक है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैफिक लगा हुआ है। ऐसे ही है सर, अभी ये थोड़ा ऑफ हो गया ना यहाँ पे, अभी काफी वही है, अभी टाइम भी हो गया ना, ऑफिस आर हो गया ना, ऑफिस आर क्लोज हो गया इसलिए हो रहा है। बाकी अब देखते हैं, अराउंड 40 मिनट लगेंगे पहुँचने में भी, तो काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ तो। दिल्ली वाला हाल हुआ बड़ा पूरा पूरा ऐसा ही। अब देख ले इतनी लेन्स है, 6 लेन हाईवे है, 6 के हाईवे है। अच्छा सारी कवर है, जा रही है जीप ड्यूप।